विधानसभा में आज दिल्ली में किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के मामले में विपक्ष ने श्रद्धांजलि न दिए जाने पर आपत्ति जताई और विजयलक्ष्मी साधो ने हंगामा किया। इस मामले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है। मंत्री अरविंद भदौरिया से बातचीत की हमारे संवाददाता अंकुर अद्वर्यू ने। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जिस तरह से किसानों को श्रद्धांजलि देने को लेकर सदन में हुआ, क्या मानते हैं? कांग्रेस जो है ना, ओछी राजनीति कर रही है। कांग्रेस लाशों पर राजनीति हमेशा करती रही, वो भी कर रही है। इसलिए एक कांग्रेस की हल्की मानसिकता का प्रतीक है, ये नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। सदन जो है ना, मान्य परंपराओं पर चलता है, नियम कानूनों से चलता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, बैठक में कांग्रेस के लोग रहते हैं, सभी दलों के लोग रहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या? डिप्टी स्पीकर हमारी पार्टी, हमारे नेता सदन के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विचार करेंगे, तय करेंगे। जो निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो 100% जीतेगी। परंपरा टूटेगी क्या? परंपरा उन्होंने तोड़ी कांग्रेस के लोगों ने। अध्यक्ष भी आपने लिया, उपाध्यक्ष भी आपने लिया, हिना कांवरे जी उपाध्यक्ष बनाए, अध्यक्ष आपने प्रजापति साहब को बनाया। हम 15 साल थे सरकार में, आज भी हैं, तो उस समय हमने तो आपको उपाध्यक्ष हमेशा दिया, राजेंद्र सिंह जी को दिया, हमेशा दिया किसी न किसी को। इसलिए परंपरा कांग्रेस तोड़ती है, नियम कांग्रेस तोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी को मत सिखाए कांग्रेस। निर्णय डाला के यहाँ छापे पड़े। एक्चुअली इनकम टैक्स अपना काम कर रही है, जो भी दोषी होंगे वो पकड़े भी जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन फिर भी मेरा कहना है, जांच के विषय है कि इतना पैसा कहाँ से आया। कांग्रेस के नेताओं पर आज भी खंगालेंगे तो कई जगह और निकल पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी। इनका यही कहना है कि परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी थी, हमने नहीं तोड़ी। बाकी मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वही डिप्टी स्पीकर बनेगा। रही बात निलय डागा की, तो उन्होंने कहा है कि निलय डागा के तो एक उदाहरण है, कई सारे नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के पास खंगालेंगे तो ऐसी अघोषित संपत्ति मिलेगी। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अद्वर्यू।